क्वेश्चन ये है कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड्स गिवन है और हमें रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 6 न्यूटन, 16 न्यूटन, 28 न्यूटन और 60 न्यूटन के इक्वल है और हमें रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर मैक्स और मिनिमम मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर मिन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तभी होगा जब सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, और जब सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली सारे मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे। तो यहां पर आर मैक्स हो जाएगा 6 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 60 न्यूटन और ये हो जाएगा 110 न्यूटन। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 110 न्यूटन के इक्वल है। अब बात करते हैं मिनिमम मैग्नीट्यूड की। तो रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी मैग्नीट्यूड्स हैं सबको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा 60 न्यूटन, उसके बाद हो जाएगा 28 न्यूटन, उसके बाद हो जाएगा 16 न्यूटन और लास्ट में 6 न्यूटन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सारे मैग्नीट्यूड्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहला वाला जो मैग्नीट्यूड है उसको फर्स्ट ग्रुप में पुट करना है और जो दूसरा वाला मैग्नीट्यूड है उसको सेकेंड ग्रुप में पुट करना है और रिमेनिंग जितने भी मैग्नीट्यूड्स हैं सबको ऐड करके हमें थर्ड ग्रुप में पुट करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 22 न्यूटन। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि इन तीनों मैग्नीट्यूड्स को ट्रायंगल का 3 साइड मानकर क्या हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसका मतलब यह हो गया कि रिजल्टेंट का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और अगर नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते तो हमें मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा और वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब हमें यह चेक करना है कि इन तीनों मैग्नीट्यूड्स को ट्रायंगल का 3 साइड मानकर क्या हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंडीशन ये है कि जो 2 मिनिमम साइड हैं उनका सम जो मैक्सिमम साइड है उससे ग्रेटर होना चाहिए, मतलब किसी भी 2 साइड का सम हमेशा 3rd साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों में जो 2 मिनिमम साइड्स हैं उसको ऐड करके चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 50 न्यूटन और यहां पर है 60 न्यूटन। 50 न्यूटन ही लेस देन 60 न्यूटन, इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, मतलब ये कि रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 60 न्यूटन में से 50 न्यूटन को सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 10 न्यूटन और यही रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 10 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2-3 एग्जांपल और लेते हैं, उससे जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा।
तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 3 न्यूटन, 25 न्यूटन, 2 न्यूटन, 40 न्यूटन और 5 न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। और अगेन है यहां पे रियल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और रियल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो रियल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तभी होगा जब सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। तो यहां पर आर मैक्स हो जाएगा 3 प्लस 25 प्लस 2 प्लस 40 प्लस 5 न्यूटन और ये हो जाएगा 75 न्यूटन, ठीक है। मतलब इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 75 न्यूटन हो सकता है और हमें रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अगेन हमें क्या करना होगा कि जितने भी मैग्नीट्यूड्स हैं सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 40 न्यूटन, उसके बाद 25 न्यूटन, उसके बाद 5 न्यूटन, उसके बाद 3 न्यूटन और लास्ट में 2 न्यूटन, ठीक। अगेन हमें सारे मैग्नीट्यूड्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2 एंड दिस इज ग्रुप 3, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रुप 1 में आ जाएगा 40 न्यूटन, सेकंड वाला जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रुप 2 में आ जाएगा 25 न्यूटन और रिमेनिंग जितने भी मैग्नीट्यूड्स हैं सबको ऐड करके हमें थर्ड ग्रुप में पुट करना है, तो हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। अगेन हमें चेक करना है कि इन तीनों मैग्नीट्यूड्स को ट्रायंगल का 3 साइड मानकर क्या हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ट्रायंगल तभी कंस्ट्रक्ट होगा जब किसी भी दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 35 न्यूटन और यहां पर है 40 न्यूटन। अगेन 35 न्यूटन इज लेस देन 40 न्यूटन, तो यहां भी जो है ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, मतलब रियल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगेन मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा 40 न्यूटन माइनस 35 न्यूटन दैट इज 5 न्यूटन। तो यहां पर मिनिमम मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि इस वाले फोर्स को 35 न्यूटन कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 35 न्यूटन, यहां भी हो जाएगा 35 न्यूटन और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 45 न्यूटन। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि दो साइड का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर है, ये रहा, मतलब यहां पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और यहां पर जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो 0 के इक्वल हो जाएगा और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 85 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो हैं 3 न्यूटन, 25 न्यूटन, 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 40 न्यूटन, 1 न्यूटन और 35 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास इतने सारे फोर्सेस हैं और हमें अगेन रियल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अगेन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए सारे फोर्सेस सारे फैक्टर्स सेम डायरेक्शन में एड करेंगे, तो आर मैक्स के लिए हमें सिंपली सबको ऐड कर देना है।
ये हो जाएगा 3 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 40 प्लस 1 प्लस 35 न्यूटन, और ये हो जाएगा 111 न्यूटन। ठीक है, अगेन मिनिमम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें सारे मैग्नीट्यूड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 40 न्यूटन, उसके बाद 35 न्यूटन, उसके बाद 25 न्यूटन, उसके बाद 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन और लास्ट में 1 न्यूटन। ठीक है, अगेन सारे मैग्नीट्यूड्स को हमें तीन ग्रुप में डिवाइड करना है। पहला वाला जो मैग्नीट्यूड है वो फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा, सेकेंड वाला जो मैग्नीट्यूड है वो सेकेंड ग्रुप में आ जाएगा, और रिमेनिंग जितने भी मैग्नीट्यूड्स हैं सबको ऐड करके हमें थर्ड ग्रुप में पुट करना है। तो हो जाएगा 35 प्लस 1 दैट इज 36 न्यूटन। ठीक है, अगेन हमें चेक करना है कि इन तीनों मैग्नीट्यूड्स को ट्रायंगल का तीन साइड मानकर क्या हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगेन हम देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 71 न्यूटन और यहां पर है 40 न्यूटन। तो हम देख सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो यहां पर अगेन ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा और रियल टेन का मिनिमम मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।